खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के मेकर्स ने ले लिया है रूबीना की इंसल्ट का बदला। जी हाँ, लगता है फैंस की ये बात पहुंच गई मेकर्स के कान तक और उन्होंने कर दिया कुछ ऐसा प्लान। आखिरकार क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का फल विंडो पर। वाला आपको बता दूँ यहाँ पर कि रूबीना दलेक और मोहित मलिक दोनों के ही बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ था। इस आर्ग्यूमेंट के चलते सोशल मीडिया पर बवाल मचा। मेकर्स के साथ साथ मोहित मलिक को भी काफ़ी ट्रॉल किया गया, जिसपे मोहित मलिक भी सामने आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने जवाब दिया, कहा इस बात को कि आखिरकार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब जो है वहाँ पर गेम का हिस्सा रहे हैं और जो भी कुछ हुआ वो सब जो है वो एक गेम की ज़रूरत थी या गेम के हिसाब से चीज़ें हुई हैं, कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है, तो आप लोग जो है वो शांत रहिए, प्यार से रहिए और खुश रहिए। लेकिन देखिए, फैंस तो देखिए गुस्सा हो ही जाते हैं और ऐसे में मेकर्स को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन उनके शो में ज़्यादा चल रहा है, कौन उनके शो में ज़्यादा फैंस को पसंद आ रहा है। और इसी के चलते मेकर्स ने ले लिया है मोहित मलिक से बदला। दरअसल हाल ही में एक प्रोमो सामने आया है और इस प्रोमो में आपको बता दें यहाँ पर कि मोहित मलिक की वाइफ अदिति को वीडियो कॉलिंग लगाई गई है और उस वीडियो कॉलिंग में रोहित शेट्टी से अदिति शिकायतें करती नजर आ रही हैं और इसके बाद मोहित मलिक को सज़ा भी मिल रही है। जी हाँ, जितनी शिकायतें अदिति करेंगी उतना ही उन्हें पानी में डुबाया जाएगा, वो भी उल्टा लटका कर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल अदिति ने इसका एक प्रोमो जो है वो काफ़ी फ़नी है और इनफैक्ट फैंस जो हैं वो इस तरह के रिएक्ट कर रहे हैं, ये फनीएस्ट रिएक्शन है फैंस का, और कह रहे हैं कि यहाँ पर फाइनली रूबीना के इंसल्ट का बदला ले लिया गया है। और अदिति यहाँ पर कहती हैं कि मुझे सुनने में आ रहा है ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर जो है वो फिजियोथेरेपीज़ ले रहे हैं, जिस पर उनको पानी में डुबा दिया जाता है। सो गाइज़, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस बात पर, आपको ये प्रोमो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अगर आपने अभी तक फिल्म विंडो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप तक पहुँचते रहें ऐसे ही सारी अपडेट्स ऑन टाइम।